बचपन में कंचे से खेले होंगे। कंचा जो है वो ग्रीन कलर का, बीच में व्हाइट कलर का होता है। तो ऐसे कंचों से आप बचपन में अक्सर खेलते होंगे। यहाँ पे इस पार्क में अप्पू नाम के जो बच्चा है उसकी कंचे को देखकर उनकी मनस्थिति क्या है वो लेखक ने हमें बताया है। तो हम इस पार्क को स्टार्ट करते हैं। इस पार्क में आने वाले कठिन शब्द और कुछ मुहावरे हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। खुशी समझना
अपू की
की सोच में डूबा हुआ था, तभी दुकानदार ने उसे डांटा और कहा कि तुम तो चाकू के नीचे गिरा देगा। अपू की तंद्रा बंद हुई और वह चौंका। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए, तो अपू ने ना ऐसा बोल के अपना सिर हिला दिया। उसी समय स्कूल की घंटी बजने की आवाज आती है। अपू अब बस्ता थामे दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले पीछे बैठते थे, इसलिए आज अपू को भी पीछे बैठना पड़ा। वहां बैठकर वह देखने लगा कि कौन कहां बैठा है। सभी अपनी जगह पर थे। रोज समय पर आने वाला रामन अगली बेंच पर था और तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठे थे। अप्पू को जॉर्ज दिखाई नहीं दिया। वह जॉर्ज को ढूंढ रहा था क्योंकि सब लड़कों में वही कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। अप्पू को याद आया रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था क्योंकि उसका ध्यान जो है वह दुकान में लगे कंचे के बारे में ही सोच रहा था। हड़बड़ी में उसने पुस्तक खोली। मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते थे क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताने लगे। रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह होती है जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीप होता है। अपू का ध्यान तो पढ़ने के बजाय किसमें था? तो अपू का ध्यान तो पढ़ने के बजाय जो कंचे पर ही था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज से ठीक होकर आते ही वह उसे कंचों के बारे में बताएगा। वे दोनों मिलकर खेलेंगे। अप्पू को देखकर मास्टर जी जो है वो समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। बच्चे हम अक्सर आप कभी भी अपने सोच में जुड़े जुड़े होते हो या आपस में कोई भी बातचीत कर रहे हो तो आपके शिक्षक को, आपके सर या टीचर को पता चल ही जाता है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपू जो है उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, इसलिए मास्टर जी को पता चल जाता है। मास्टर जी अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। बेंच पर खड़ा सुबहता हुआ अप्पू फिर से कंचों के बारे में सोचने लगता है। जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीदेगा। अगर खरीदने पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अब अप्पू जो है बार बार लगातार एक ही चीज पर उसका ध्यान आकर्षित हुआ है। वो चीज कौन सी है? कंचा। शिक्षक के डांटने पर बेंच पे खड़े होने के बावजूद उसका मन जो है वो कंचे पर ही अटका हुआ है। उन्होंने अप्पू से पूछा कि क्या सोच रहा है।
अप्पू कुछ नहीं बोलता। मास्टर जी ने समझा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए सोच रहा है। वे उसे बताने लगे कि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जाती है। उसी समय कक्षा में चपरासी फीस जमा कराने की नोटिस लेकर आते हैं। अप्पू को याद आया उसके पिता ने फीस के लिए 1.5 रुपये दिए थे। वह खुश हुआ कि फीस जमा करने के बहाने वह बैंक से उतर सकेगा। लेकिन मास्टर जी ने उसे जाने नहीं देते और फिर बेंच पर खड़ा कर देते हैं। अब अप्पू ने क्या सोचा कि फीस जमा करवाने के लिए उसके पिता ने उसे 1.5 रुपया दिया है तो वह अब बैंक से उतर सकेगा, फीस भरने जा सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मास्टर जी ने उन्हें रोक दिया। Thank you.
मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई देखिए। तो मास्टर जी की आवाज धीमी नहीं हो रही थी, अप्पू को वह धीमी लग रही थी, क्योंकि उसका ध्यान उनकी बातों से अधिक कंचों पर था। उसके दिनों दिमाग पर कंचे जो थे वो छाए हुए थे, इसलिए मास्टर जी की आवाज से उसका ध्यान हटता नहीं था। जैसे जैसे उसका मन कक्षा से हटकर कंचों पर जा रहा था, वैसे वैसे मास्टर जी